ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। क्वारंटाइन सेंटर से 4 लोग फरार, 5 पर FIR दर्ज। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जनपद एटा में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों पर कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन किया गया है। अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव जाजलपुर में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में क्वारंटाइन 4 लोग बिना बताए फरार हो गए। इसकी जानकारी तब हुई जब डॉक्टर उनके दैनिक परीक्षण के लिए पहुंचे। सेंटर पर कुल 16 संदिग्ध रखे गए थे, जिनमें से 12 लोग ही मौजूद मिले। सेंटर पर तैनात चौकीदार की लापरवाही के चलते 4 संदिग्ध फरार होने में कामयाब हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए प्रधान की सहायता से सभी को पकड़कर दोबारा सेंटर में रखा गया। लापरवाही के चलते 4 संदिग्धों के अलावा चौकीदार पर भी संबंधित धाराओं में कोतवाली अलीगंज में ग्राम सचिव द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज यहाँ पे कोरोना सेंटर पे आप आई हुई हैं, आपने क्या देखा, कितने मरीज हैं यहाँ पे? हम लोग जब 2-3 दिन पहले आए थे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 17 या 15 पेशेंट थे। मैं यहाँ पे चौकीदार को मिला के 16 लोग थे, जिसमें से आज जब हम लोग चेकिंग के लिए आए हैं तो यहाँ पे से 7 लोग हैं सिर्फ प्रेजेंट, बाद बाकी यहाँ नहीं है। जो कि चौकीदार ने गेट खोल दिया, जिसकी वजह से वो लोग अपना गेहूं काटने के लिए जो भी रीजन बता के यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ पे आज जाके जब चेकअप किया है तो 2-3 पेशेंट्स हैं। एक यहाँ पे धर्मेंद्र नाम का पेशेंट है, एक पंकज है, जिनको थोड़ा सा सिम्टम्स आए हैं, किसी के गले में थोड़ी तकलीफ है, एक को थोड़ा सांस नहीं आ रही है। तो ये 2 पेशेंट हैं जिनको हम लोग यहाँ से रेफर कर रहे हैं CS मरहरा पे, CS मरहरा के लिए। ठीक है, थैंक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय पर जो है बाहर से आए हुए व्यक्तियों का क्वारंटाइन किया जा रहा था, उसमें कत्र हम लोग के निरीक्षण में वहाँ उपस्थित पाए गए थे। परंतु कल उसमें से कुछ लोग जो है लगभग सुबह के 9 बजे 9:15 बजे के आसपास ये लोग चौकीदार द्वारा गेट खोलने पर ये बाहर चले गए, और बाहर ही गाँव के ही आसपास इधर उधर अपना कुछ सामान लेने की बात ये कबूल रहे थे। और वहाँ पर फिर जैसे ही सूचना प्रधान को और उनको दी गई तो उन्होंने जो है उनको पकड़ करके ले आए। उस बीच मेडिकल की टीम आई थी परीक्षण के लिए, उस समय भी ये लोग 4 से 5 लोग अनुपस्थित पाए गए थे। क्या कार्रवाई? बार बार हिदायत देने की, इनको पहले भी पूर्व में निर्देश था, मेरे द्वारा स्वयं भी कहा गया था कि कोई भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सारे खाने पीने की रहने की सारी सुविधाएँ उनको वहीं पर मुहैया कराई जाएगी और कराई भी जा रही थी। परंतु इसके बाद भी इन्होंने इसका उल्लंघन किया है, इसके विरुद्ध इन जो भी चारों बाहर गए थे उनके विरुद्ध और चौकीदार के विरुद्ध थाना कोतवाली में अलीगंज में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।